यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इस बार हाईस्कूल में जहां सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने पहला स्थान हासिल करके अपने जिले का नाम रोशन किया है, तो वहीं कानपुर देहात के कुशागर पांडे ने दूसरा स्थान प्राप्त करके जिले का नाम रोशन किया है। कुशागर पांडे के गाँव में बधाई देने के लिए उसके घर के बाहर रिश्तेदारों और पड़ोसियों का तांता लगा हुआ है। कानपुर देहात के मंगलपुर कस्बे में रहने वाले कुशागर पांडे आर्यभट्ट विद्या मंदिर में हाई स्कूल में पढ़ते हैं। कुशागर पांडे ने कड़ी मेहनत के साथ कानपुर देहात का नाम रोशन करते हुए यूपी बोर्ड की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कुशागर पांडे के दूसरे स्थान प्राप्त करने की जानकारी होते ही कुशागर पांडे के कस्बे में जश्न का माहौल बना हुआ है। स्कूल प्रबंधक व शिक्षकों ने कुशागर पांडे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उसका उत्साह वर्धन किया है। हाई स्कूल में दूसरे नंबर पर आने वाले कुशागर पांडे ने साथियों के साथ जश्न भी मनाया। कुशागर पांडे ने बातचीत करते हुए कहा, पांडे किस क्लास के छात्र? मैं इस वक्त 11th में हूँ। अभी आपने कक्षा 10 पास की है जी, कैसा महसूस कर रहे हैं और किसको क्या श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं अपनी इस सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और मेरे समस्त स्कूल के अध्यापक। कितने नंबर आए हैं? 97%। नतीजे आने के बाद कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा। किसको श्रेय देना है, किस तरीके के आपने वातावरण मिला आपको, किसको श्रेय देना चाहिए? मैं अपने माता पिता, मेरे भाई बहन और समस्त स्कूल के अध्यापक सभी का बराबर बराबर श्रेय है। कैसे पढ़ाई करते? आपने स्टडी की थी किस तरीके की? मेरा मानना था कि पढ़ो भले भी कम, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए जितना भी पढ़ो। रिजल्ट आने के पहले आपको किस तरीके से महसूस हो रहा, क्या लगता था? जब मेरे पेपर हो गए थे तो स्कूल के अध्यापकों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इतने तक आ सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा स्थान जिला में तो शायद हो गई, ये नहीं सोचा था कि यूपी में होगा। तो सबसे अच्छा किसने आपको अच्छे से गाइड किया और पढ़ाया? सभी ने। और क्या कहेंगे अन्य छात्रों के लिए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए? कि वो लोग भी पढ़े, मन लगा के पढ़े, लगन से पढ़े, नोट्स बनाए अपने और रिवीजन सबसे मेन है, रिवीजन जरूर करना चाहिए उन्हें। अच्छा, आप आगे के लिए क्या सोचा है? आगे के लिए आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं नीट क्वालिफाई करके। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।